राजधानी दिल्ली के लोगों की आंखों के सामने से अभी मुंडका इलाके में लगी आग की तस्वीरें ओझल भी नहीं हो पाई थी कि नरेला इलाके में भी एक हादसा हुआ, जिसमें नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की प्लास्टिक दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की करीब 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगी थी। आग इमारत के निचले हिस्से में लगी थी। शुरुआती दौर में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी, लेकिन मौके पर आग का विकराल रूप देखते हुए जल्द ही संख्या बढ़ा दी गई। एक के बाद एक दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, जो आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश में जुटी। वहीं मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद रही। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और नुकसान कितने का हुआ गनीमत रही कि अभी तक इस हादसे में किसी की भी जान के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। वहीं इस बात की भी जांच की जाएगी कि नरेला इलाके में जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया या नहीं, और आग ने इतना विकराल रूप कैसे ले लिया।